हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में, देव दृष्टि ब्लॉग में। और आज की शुरुआत कर रहे हैं हम रामनवमी से। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से रामनवमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। चलिए जी, शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। और आज है रामनवमी, आपको पता ही है फ्रेंड्स। तो आज मुझे कन्या खिलानी है, तो कन्या जमाने की तैयारी कर रही हूँ। हलवा पूड़ी और चने वगैरह बनाएंगे फ्रेंड्स, और पूजा करेंगे। नारियल को भी हटाना है, मतलब नारियल तोड़ेंगे, उसका प्रसाद बटेगा, और साथ साथ और भी बहुत सारे काम होंगे। क्योंकि घर में आपको पता ही है फ्रेंड्स, कितने सारे काम हो जाते हैं। और बच्चे तो अभी सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट थी, वो तो चले गए सुबह 4 बजे ही। और अभी हो रही है, मतलब अभी तो धूप आ गई है। वैसे बताया था आज बारिश होने वाली है, पर ठंड हो रही है, जिसकी वजह से मैंने कपड़े भी पहने हैं, अगर मतलब जैकेट पहनी है, क्योंकि मेरे को बहुत जुकाम हो रहा है। हमारे घर में सभी को हो रहा है ये सब चीज़ें, जुकाम बुखार, तो मैंने सोचा जैकेट ही पहन लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं जल चढ़ा लेती हूँ और आज का मौसम दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आज का मौसम तो बढ़िया ही हो रहा है, मतलब बढ़िया क्या, बादल भी हो रहे हैं, बट मौसम भी ठीक ही हो रहा है। अभी बाद में बता नहीं सकते कि कब करवट ले ले मौसम। चलिए जी, मैं आप जल चढ़ा लेती हूँ। बादल हो रहे हैं, मुझे लग रहा है बारिश ही होगी आज। देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ को बादल हो रहे हैं, इस तरफ को खुला हुआ है मौसम, बट बारिश बता रखी है कि बारिश ही होगी। चलिए अब चलते हैं नीचे अंदर को और दिखाती हूँ मैं आपको आयुषी के हाल। कॉलिन और ये सब आयुषी ने यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि कल इसके पापा ने इसको बोला था कि ये अपनी टेबल साफ़ करेगी। इसने टेबल तो अरेंज करी है देखिए, और उसमें भी इतना सारा अरेंज करने, साफ़ सूफ तो करी है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी वही कचड़ा भर रखा है। और उसके बाद जो सारा वेस्ट निकला था वो वहाँ डाल दिया, सीढ़ी पे रखा हुआ है। और कल मैंने इसको बोला बेटा ले जाना ले जाना, तो इसने फिर वापस बोल रही थी अभी ले जाऊँगी मम्मा, अभी ले जाऊँगी, और ऐसे ही छोड़ दिया। पता नहीं बच्चों का क्या ही होता है, मेरे को समझ नहीं आता। चलिए अब मैं चलती हूँ नीचे, पूजा कर चाहे वाई पी लेती हूँ पहले, फिर देखती हूँ और क्या करूँ मैं आगे। फ्रेंड्स चने बॉईल हो गए हैं जो कि मेरे अच्छे से, और अभी मैं ये सूजी तैयार करूँगी। और सूजी के साथ अभी आटा भी, पूड़ी के लिए आटा भी लगाना है मुझे, तो पूड़ी के लिए आटा भी लगाऊंगी, सूजी भी साथ में भून लूँगी, क्योंकि बच्चों को मतलब कन्याओं को आने में टाइम है। आज तो वैसे भी इतनी बिजी रहती है, तो हमारे घर का टाइमिंग है शायद 8:30 बजे के बाद ही आएंगी, तब तब तक मेरा काम हो जाएगा। तब तक मैं बच्चों को भी उठा लेती हूँ और वो भी अपना काम कर लेंगे, तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। चलिए फ्रेंड्स, पहले मैंने छानी थी सूजी, और कभी कभी क्या होता है कि सूजी में कीड़े पड़ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वैसे तो साफ़ थी ये बिल्कुल, फिर भी मैंने एक मन की तसल्ली के लिए सूजी को छान लिया था। और उसके बाद देखा कि सब साफ ही है, तो फिर मैंने हलवा बनाना स्टार्ट करा। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, इधर रखी कढ़ाई, कढ़ाई में डाला घी, फिर घी को अच्छे से गर्म होने दिया, और उसके बाद इसमें डाली मैंने सूजी। जब तक फ्रेंड्स घी तेज गर्म नहीं होता है तब तक मज़ा भी नहीं आता है, और फिर सूजी भी अच्छे से भुन जाती है। तो इसमें मुझे ऐसे लग रहा था वो जो घी के डिब्बे का वो चमचम होता है ना फ्रेंड्स, वो गिर गया है, बट वो था नहीं, मैं गौर से देख ही रही थी, मैंने कहा कहीं किसी के मुंह पे ना लग जाए, तो इसलिए। उसके बाद मैंने सूजी डाली, और इधर मैंने चने भी उबाल के रखे हुए थे। इसके बाद फिर मुझे चने ही छौंकने थे और आटा भी गूंदना था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मैंने कहा बच्चे आ ना जाए कहीं, तब तक मेरे को पूरा तैयार करना था अपना। तो मैंने इधर सूजी भूनना भी स्टार्ट कर दिया था फ्रेंड्स, और देखिए फिर बहुत अच्छे से भूनने के बाद गर्म पानी भी रख दिया था साइड में, ताकि उसमें गर्म पानी डाल दूँ मैं, उससे ना सॉफ्ट बन जाती है गर्म पानी। ठंडा पानी डालो तो बड़ी हार्ड सी बनती है, पर अगर गर्म पानी डालो तो सॉफ्ट बनती है। और इधर मीठा भी ऐड कर दिया था, चीनी। इस टाइम तो इतना अच्छा लग रहा था हलवा देखने में, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, कथा का प्रसाद भूनते हैं ना, वैसा लग रहा था।
थोड़ा शक्कर ज़्यादा ऐड करी थी मैंने, मीठा ज़्यादा पसंद है बच्चों को। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया था नारियल कद्दूकस करके, सूखा वाला होता है जो फ्रेंड्स, वो वाला। और बाद में डाल दिए थे किशमिश, क्योंकि उस वक्त मेरे को ध्यान में नहीं रहा, लेकिन फिर मैंने बाद में डाल दिए थे। और इधर मेरा हलवा बन के बिल्कुल रेडी है एकदम, और खाने में तो बहुत ही बढ़िया हो रहा था फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप, हलवा बिल्कुल रेडी हो गया, गैस मैंने बंद कर दी है। और अब मैं इसके बाद तैयारी करती हूँ, साइड से कढ़ाई रख दी है मैंने काले चने बनाने के लिए। और इनमें तो कुछ डालना नहीं होता, लहसुन प्याज टमाटर वगैरह, क्योंकि सूखे ही बनते हैं। तो कढ़ाई रखी, सरसों का तेल डाला सिंपल, और जीरा डालने के बाद मसाला मैंने कटोरी में घोल के डाल दिया था फ्रेंड्स। मसाला भी वही नॉर्मल था, हल्दी मिर्च धनिया और यही सब था, देख सकते हैं आप। पहले मैंने तेल को अच्छे से गर्म होने दिया, और उसके बाद मैंने डाला जीरा। और ये देखिए मैंने उंगली से अच्छे से मिला लिया, क्योंकि इसमें गुठली रह जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। बस चने डाल दिए थे फ्रेंड्स, फिर मैंने सोचा आटा ही सान लेती हूँ तब तक मैं। तो आटे में मैंने थोड़ा अजवाइन और कसूरी मेथी मिला के ऐसे रख दिया था, थोड़ा पानी डाला, क्योंकि हाथ के हाथ गूदो आटा तो पूड़ियाँ सॉफ्ट नहीं बनती, थोड़ा आटा जब भीग जाता है तो अच्छा बनता है, पूड़ी रोटी कुछ भी हो। तो इधर मसाला भी डाल दिया था मैंने साइड से, और पूड़ी में मतलब आटे में थोड़ा पानी भी डाल दिया था, ताकि वो थोड़ी देर वो कर लूँ। देखिए आप, मसाला भी थोड़ा पक गया मेरा, और इसमें मैंने डाल दिए चने। बस अब थोड़ा सा इसमें ऊपर से कसूरी मेथी डाल देंगे, बस हो जाएगा। ली फ्रेंड्स, अब तोड़ेगी हमारी बाहुबली नारियल। मत कर, क्या कर रही है? आ गई है नहीं? हाँ चलिए, चुन्नी को और लोटे को वहाँ रख देना कोने में। हाँ बस चलो, हाँ फोड़, चल देखते हैं आज पावर ऑफ। निकला ठीक है, आयु वो कटोरा लेके आ जाए, थाली वगैरह कुछ लेके आ। तोड़ो तोड़ो और तोड़, हाँ जल्दी लायो, दे दाजी। चलिए शॉर्ट लग गया है, नारियल टूट चुका है, अब ये साफ करेगी इसको, और तब तक मैं घर में जल छिड़क लेती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद पूड़ी बनाती हूँ, क्योंकि पूड़ी भी बनानी है, अब कन्याएं आने ही वाली हैं। चलिए पहले मैं जल छिड़क लेती हूँ पूरे घर में। पता नहीं आपके यहाँ करते हैं या नहीं करते हैं, जो कलश में हम 10 दिन 9 दिन तक पानी रखते हैं ना, उसको फिर वो अच्छा मतलब पूरे दिन रात वहाँ पे पूजा करते हैं, तो वो मंत्रों से शुद्ध हो जाता है, तो फिर वो सारा पानी ना पूरे घर में छिड़कते हैं, ओने कोने सारे घर में, उससे बोलते हैं कि पॉजिटिविटी आती है पूरे घर में। तो मैं पूरे घर में इसको छिड़क रही थी, देखिए आप ऊपर कमरे में, और फिर बाद में जो लास्ट में बचा पानी था उसको मैंने छत में पेड़ों में डाल दिया था, देख सकते हैं ऊपर कमरे में भी अच्छे से भून डाल दिया मैंने सारा। चार पूड़ी मंदिर के लिए, मंदिर के लिए टिफिन लेके आ जा बाबू, अब मैं बैठ गई। स्टील का टिफिन सही रहेगा ना, हलवा भी बन गया, पूड़ी भी बन गई, सब कुछ पूड़ी भी बन जाती है, बस उसके बाद कन्याएं आएंगी। बस हाँ हाँ ऐसी तो खाते हैं उसको, शाम को मैं और इसके पापा खा लेंगे प्रसाद में ना। क्यों आप अभी नहीं खाओगे खाना? नहीं, हम अभी तो खाते हैं बेटा। अच्छा शाम को ही तो खाते हैं हमेशा।
प्लेन्स वाले करते हैं ऐसा, हमारे यहाँ नहीं करते ऐसा। व्रत रखेंगे तो नौ रात्रि तक होता है, नौ रात का व्रत होता है। तेरी बुआ लोग भी, बुआ लोग तो कन्या भी दसवें दिन में जमाते हैं। हम लोग पहले डालते हैं, पहले बाद में भी बोल सकते हैं अगर मुझे बोलना होगा तो, अगर मुझे किसको बता देंगे। पूरी दिखा दो, ब्यूटीफुल गोल मटर पूरी। और इधर फ्रेंड्स मम्मी ने और मैंने पूड़ी बनाना स्टार्ट करा था, बहुत ही अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ बनी। और जब भी त्यौहार होता है हम सब मिलके ही काम करते हैं, तो मम्मी भी फटाफट उठ जाती हैं, नहाना धोना कर लेती हैं और जल्दी से हो भी जाता है हमारा काम। हमारी बाहुबली कोई बात नहीं यार, चुप रह तो। चलिए फ्रेंड्स हमने सारी तैयारी कर दी है, अब हमें कन्याओं का इंतजार है। दिखाती हूँ आपको, पूड़ी वगैरह भी हमारी सारी बन चुकी है, मम्मी जी ने और मैंने पूड़ियाँ वगैरह बना ली, और गाय के लिए भी सारा खाना निकाल दिया है, गाय के लिए, भगवान जी के लिए। देख सकते हैं आप, वो गाय के लिए है, ये ऊपर कौवे के लिए निकाला है, पक्षियों के लिए, और सब चीज़ निकाल करके हमने तैयार कर दिया है। और सकते हैं आप, मैंने ये नारियल का पिसाई, पैर धोने के लिए लोटा थाली सब तैयार कर रखा है फ्रेंड्स। इन दोनों का झगड़ा हो रहा है आज, आयु का और मेहर का। यारी मेरी स्कूल की आ गई, कन्याएं आ गई थी फ्रेंड्स मेरे घर में, सारी सारी छोटी छोटी, सबके पैर धुलाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। देख सकते हैं आप, सबके पैर धुलवा रही हूँ मैं, और बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आ रखे थे देखिए। Thank you.
और इधर टीका भी कर रही थी फ्रेंड्स में। टीका वीका करने के बाद आरती आरती कर ली थी हमने, और फिर उसके बाद बारी आई बच्चों को हलवा पूड़ी खिलाने की। देख सकते हैं बच्चों को बिठाना बहुत ही मुश्किल है, उनकी मम्मी किसी की मम्मी मोबाइल दिखा के मतलब उनको बिठा रखी थी, कोई खिलौनों के साथ खेल रहे थे, बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं बच्चे। यहाँ देखो तो यहाँ पे होगा ओ लंगूर। और इधर मैम भव्य को इतना गुस्सा आ रखा था, बिल्कुल साइड में बैठे हुए थे, बहुत ही गुस्सा आ रखा था क्योंकि उनको अभी के घर जाना था और मम्मी मना कर रही थी, तो मम्मी ने उनको बोला हर चीज़ में गुस्सा कर रहे थे, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं जाना, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बहुत मुश्किल से इनको मना मना के हमने यहाँ पर बिठा रखा था। हो गया था फ्रेंड्स हमारे घर में कन्या पूजन, तो सब लोग जा रहे थे, कन्याएं जा रही थी। देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे, गोल मटोल सुंदर सुंदर, फिर सबको छोड़ने के लिए बाहर तक गए हम। देखिए और भव्य गुस्से में वहीं पे बैठा हुआ है, उठा ही नहीं वहाँ से। और फिर इन लोगों ने बोला कि थोड़े से कड़ी पत्ते दे दो, तो मैंने इनको दोनों को भाभी जी लोगों को कड़ी पत्ते तोड़ के दिए। देखिए कह रहे थे कड़ी वगैरह पोहा बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैंने भी बोला लेके जाओ बहुत सारे हो रखे हैं। फ्रेंड्स कन्या भी जमा ली हम लोगों ने, हो गया है सारा काम। और ये देखिए अपना काम, अभी इसको समेटती हूँ सारा। हाँ इसकी भी बनाऊंगी मैं, और अच्छे से निपट गया सारा। चलिए फ्रेंड्स अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अब बच्चे नाश्ता मांग रहे हैं, तो तब तक के लिए बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्या 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 कर रही थी, कर कर कर, फिर आप बोलते बाय, आप भी बोल दो भूमि बाय, आप भी बोल दीजिए।